my YouTube family. So, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल खुशी शिवाय व्लॉग्स में। तो अभी टाइम हो रहा है 11 और पता है अभी तक हमारे दूध वाले भैया नहीं आए हैं। जिस दिन रास्ता देखो ना उस दिन नहीं आते हैं जल्दी। मैं कब से रास्ता देख रही हूँ, अब आएंगे नहीं आ रहे। मेरे को जाना है मंदिर कच्चा दूध लेकर पूजा करने के लिए। पास में शॉप है वहाँ पे भी दूध अवेलेबल नहीं है आज। तो भैया का रास्ता देख रही हूँ, आ ही नहीं रहे भैया। यार क्या करूँ, मंदिर जाना है आज, मार्केट जाना है, मम्मी को राशन लाना है, फिर हल्दी वगैरह थोक लाते हैं मम्मी, तो उतार में भी जाकर सारा सामान लेके आना है। यार कब से रास्ता देख रही हूँ, आ नहीं रहे। और देखो मैंने और प्रिंसी ने पहना है मैचिंग, लाडो ने भी इधर मैचिंग ड्रेस पहना है मेरा, और मैंने भी लाडो से मैचिंग पहना है पीच कलर। क्या खा रहे हो लाडा, क्या खा रहे हो? बिस्किट अच्छे लगते हैं आपको? हाँ, क्या कर रहे हो अभी आप? आ जाओ मम्मा प्लेइंग गेम। इंग्लिश आती है मेरे बच्चे को। तो अभी मैं थोड़ा बैठी हूँ दूध वाले भैया का रास्ता और देखती हूँ क्या है, नहीं तो फिर आज इसी जाऊँगी। पंचामृत बन चुका है बट उसमें दूध नहीं डला है। चार ही चीज़ डली, दूध डल जाएगा तो पंचामृत पूरा हो जाएगा। यार भैया अभी कब आएंगे? आज साड़ी पहनने का था बट अंदोला के मार्केट भी जाना है, साड़ी को कैसे क्या करूँगी। तो देखो साड़ी भी निकाल के रखी थी मैंने, अब दुपट्टा इस पर कौन सा मैच होगा, रेड ले जाती हूँ मैं तो। सर ढकना है मंदिर में भाई, तो सब मैच हो ही जाता है। मम्मी बोलेगी प्रिंसी को मेरे पास छोड़ दिया ना, अभी तक गई नहीं, मैंने कॉम भी नहीं किया, मतलब बाद में आके कॉम करूँगी। गेट लगा से फटाफट से मंदिर हो। हमारे ना नर्मदा का पानी आता है, इतना बहता है, इतना बहता है। अभी बीच में बंद हो गया था, दो दिन से लगातार आ रहा है और वो भी सुबह शाम आता है। बाल्टी खाली ले जा रही हूँ, वहाँ पर भर लूँगी। यहाँ से कहाँ भर के लेके जाओ, मुझे थाली पूजा की। टाइम हो रहा है साढ़े बारह बज रही नहीं, और हम जा रहे हैं मार्केट। और सीट इतनी गर्म हो गई, चटके लग रहे। चलते हैं सी, हट नानी पास जा, मेरे पास नहीं। चार्जिंग है, कल लगी थी, एक ही डंडा खत्म हुआ, मतलब दो दिन और चलेगी। ये गाड़ी को तो एक हाथ से पलटा लो, इतनी हल्की है। हाँ मम्मा छिया लाम, चले चलो बैठो, लेट्स गो लेट्स गो, बैठो बैठो, तड़के लगेंगे प्रिंसी। चलो तो हम जाते हैं मार्केट। इधर बैठ के प्रिंसी खा रही है गुड़ और कुरकुरे, और इधर मम्मी ले रहे हैं सामान, गुड़ हल्दी। तो दुकान पे से मम्मी से गुड़ हल्दी वगैरह लेते हैं तो अच्छा मिलता है, बाकी दूसरी शॉप पे ना मिलावट का सामान मिलता है। क्या खाओ? हाँ खा लो आप। इधर मम्मी ले रहे हैं सब्जी भाजी, लहसुन जो कि मुझे पसंद नहीं है, और मैं कहीं नहीं ले रही हूँ। हम तो दाल बनाएंगे आज शाम को, मस्त दाल रोटी चूर चूरते हैं। तू क्या खाएगी? दाल ना, दाल ना, उड़ाऊ? मैं नहीं उड़ाती, उड़ाती तो सब्जी भाजी लेते हैं फिर घर जाएंगे। सो मेरे पास देख सकते हो कितना सारा सामान ये मैं लेके जा रही हूँ ऊपर। जब भाभी हॉस्पिटल में एडमिट थे इंदौर में तब ये सामान सारा मेरे घर पड़ा हुआ था। पार्सल वगैरह आते थे, कुछ भी मेरे घर रखे हुए रहते थे। और आज बनेंगे आलू के पराठे मम्मी की स्टाइल में। आप बोलते हो नॉर्मल से पराठे बनते बघार नहीं लगता है, हम जो बनाएंगे ना आज वैसे ट्राई करना, पूरी रेसिपी बताऊंगी मैं। पता है अभी ना हम मार्केट गए थे तो प्रिंसी के लिए क्या लाई है बताती। देखो सुंदर सी चद्दी कच्छा, सुंदर सा कैसा लग रहा, सुजू भी कर दी उसने, कितना सुंदर लग रहा है। इसके साइज के मिल ही नहीं रहे थे, बड़ी मुश्किल से मिले, क्योंकि मिल भी रहे थे ना तो यहाँ से इलास्टिक बहुत लूज था, तो फिक्स लेकर आए हैं। और आपको ना वीडियो में प्रिंसी बड़ी दिखती है, अब मैं आपको उसका साइज़ बताती हूँ। देखो इसके कच्चे का साइज़ देख लो, आपको पता चल जाएगा प्रिंसी कितनी बड़ी है, क्या मम्मी? उसका कच्चा बताती हूँ, साइज़ देख लेना। ये देखो एक ब्लास का है 45 सेंटीमीटर का। अब आप बोलोगे दीदी आपको शर्म नहीं आ रही कच्चा बताते हो,
मैं कच्चा इसलिए बता रही हूँ कि आप आपकी प्रिंसी का साइज पता कर सको कि प्रिंसी कितनी बड़ी है। तो प्रिंसी छोटी सी है, ये मतलब 2 महीने के बच्चे को आ जाए मम्मी, 2 से 3 महीने के बच्चे को, 3 महीने के बच्चे को आराम से आ जाए। अब देख लो प्रिंसी 18-19 महीने की, और ये 3 महीने के बच्चे को आराम से फिक्स आ जाए, और उसको भी टाइट पड़े, टाइट हो उसको। तो देखो प्रिंसी कितनी सी है। विदित को ये जो लास्टिक है ना कमर का, ये विदित के पैर में फंस जाए, ये ऊपर वाला लास्टिक। विदित की पहनाई थी मैंने चड्डी, तो उसको ना नीचे से बहुत ज़्यादा लूज आ रही थी पैरों में से, पूरे ऐसा लगे जैसे कि शॉर्ट चड्डा पहना दिया, ऊपर से भी निसट रही थी ऐसी, चलते चलते चढ़ा रही थी। आज 2 लेकर आए, मैं तो उसको देख देख के हंसी आ रही थी, इतनी सी, बाप रे, छोटी सी तो है वो। सो गई चड्डी वाली मैडम मेरी। हाँ दुकान पे उसको बताई मैं, लाइक मम्मी इसमें पैर डाल के देखो लूज तो नहीं आ रही, तो एक में पैर डाल दिया, फिर दूसरी देखी तो बोलती लो मम्मा पैर डालो, फिर डाला, तो फिर बाद में ये वाली बताई उन्होंने तीसरी बार, तो ऐसे बोलती हाँ अच्छी है, अच्छी मम्मा अच्छी है, मतलब ले लो अच्छी चड्डी है। उसको ब्लूमर बोलते हैं ना, हाँ ब्लूमर बोलते हैं, बहुत अच्छी लग बच्चों की। सो गया मेरा टिंडा, उसके ऊपर कलर कितना अच्छा लग रहा है, पर्पल, सुंदर सा बच्चा, भयंकर बोलता है। देखो अभी भी है ना, बड़ी हो गई फिर भी उसकी आंखों पे आई शेडो लगा हुआ ही है, बचपन से पैदाइशी आई शेडो लगा है उसको, तो अभी भी है ना आंखें पिंक पिंक दिखती है। और एक चीज़ और बताऊँ मैं, यहाँ पे ना उसको ब्लैक लाइनर जैसा दिखता है, नहीं नोटिस किया ना मैं बताती, ये देखना हल्की सी बारीक सी लाइन लाइनर जैसी दिख, आज और काजल लगा है तो नहीं दिख रहा, बट मेरे पास रहती है ना मैं उसको ध्यान से देखती हूँ, उसमें बारीक लाइन दिखती है लाइनर की उसकी आंखों पे। एवरीवन सो इधर हमारे आलू के पराठे की तैयारी चल रही है। मैंने जैसे कि आपको एक बार रेसिपी दी थी, तो आप बोल रहे थे कि बघार लग के नहीं बनते हैं, तो आप बोलते ऐसे नहीं बनते हैं, नॉर्मली बॉईल आलू हो जाते हैं उसको ही, मतलब उसमें नमक मिर्च वगैरह डाल के मिक्स करके बनाते हैं, वैसे नहीं बनते हैं, एक बार ऐसे ट्राई करना। ये पेस्ट है हरी मिर्ची लहसुन और अदरक, इसका मिक्सी में पेस्ट बना लिया, तेल डाल के इसको भून रहे, इसमें जीरा और सौंफ डली हुई और राइस, अब इसको हम अच्छे से भूनेंगे, हल्का सा थोड़ा कलर चेंज होगा डार्क, इसमें दूसरा सामान डालेंगे। तो इधर आप देख सकते हो कलर कैसा हो चुका है इसका, अब इसमें मसाले डालूंगी, हल्दी धनिया पाउडर और लाल मिर्च और गरम मसाला भी है, बस ये 3 चीज़ें, हल्दी जीरा पाउडर और लाल मिर्च पाउडर, बल्कि आज मैं इसको इसलिए डालूंगी। तो इसमें डालेगी 1 चम्मच शक्कर और पूरा और ये नींबू पूरा डाल दिया है, और इसको करेंगे वापस से मिक्स, गरम मसाला इधर आलू मिक्स किया हुआ है, सिका हुआ बेसन, बेसन ज़्यादा डालेंगे इससे टेस्ट ज़्यादा अच्छा है। अभी नमक नहीं डाला है इसमें, मैं डाल रही हूँ बेसन, ज़्यादा नहीं सीटी बज रही। देख लो हमारे पराठे इतने अच्छे बनेंगे मसाले से कि ये कुकर भी सीटी मारने लग गया। अब लास्ट में जाएगा नमक, 1/2 चम्मच और डालो, ज़्यादा हो जाएगा, मसाला बन गया है। बस यही मसाला है जिससे सब कुछ पूरे आलू में टेस्ट है और बेसन। आप बोलते हो दीदी हम सिर्फ आलू बॉईल कर लेते हैं, उसके अंदर हम हरी मिर्च काट लेते हैं, लाल मिर्च पाउडर, कोथमीर, अमचूर पाउडर वगैरह सब डाल के मिक्स करके और स्टफिंग बना के पराठे बनाते हैं, जैसे आप बनाते हो एक बार ऐसे ट्राई करना, नहीं मजा आए तो बोल देना। ऐसे पराठे पूरे मार्केट में क्या कहीं नहीं मिलते हैं, मेरी मम्मी ऐसे पराठे बनाते हैं, हमको भी ऐसे ही बनाना सिखाया। देखो अभी पूरा रेडी हो जाएगा,
आप इसको पकाते टाइम इसके अंदर बटले डाल दो, हरी मटर आती ना वो डाल दो, और आलू बड़े के जो आती है स्टफिंग अंदर की वो बना लो, वो भी आलू बड़े के पराठे वो भी मस्त लगेंगे। क्या हो गए वो आलू बड़े बन जाएंगे, बटले डालोगे आलू बड़े बहुत टेस्टी बनते हैं पराठे, एक बार ज़रूर ऐसे ट्राई करना, अगर किसी ने इस टाइप के पराठे नहीं खाए हैं तो ज़रूर ट्राई करना। सो मैं गई थी प्रिंसी को छोड़कर मंदिर, उपवास है तो पूजा करने के लिए, आपके जीजू और मेरा उपवास है, बट आपके जीजू काम पर गए हैं जॉब पे, तो इस वजह से मैं ही पूजा करने गई, वो करे मैं करे बात एक ही है, पास हम दोनों ने रखा है, भोग लेकर आते ना हम दोनों जन खाते, बेटे को नहीं देते उसमें, क्योंकि बोला गया है कि भोग मतलब जो उपवास रहता वो ही खाता है, तीन भोग लगाती हूँ, दो रखाती हूँ, एक मैं ले आती हूँ। मेरा बेटा सोया है मुगली, मैं तो मम्मी का बहुत परेशान कर देती, घर की दिया बत्ती भी हो गई मेरी, मिर्ची डाल। आज ना प्रिंसी इतनी सो रही है कि क्या बताऊं, देखो अब मेरे ऊपर सो गई, उसको अंदर सुला रही नहीं सो रही, गोद में सुला रही नहीं सो रही, ऐसे सोना है अब ऐसी सोई है, कितना सोएगी यार, ये 4-5 बजे की सोई है, जब से सोना ही सोना चल रहा है, प्यारा बच्चा। उसके डेडा के लिए कहाँ तक चल के आ गई, ये घर तक, आप सोचोगे ये घर बता दे हम क्या समझे, ये जो गार्डन है बहुत दूर है हमारा घर, इधर से भी अंदर गली में भी अंदर है, और ये पैदल चल के आ रही है, इसको मैं चिल्ला रही हूँ घर चलना है, शूज भी नहीं पहने हैं, लाडो घर चलना है अपने को, ए कहाँ जाओ, इधर किसके पास जा रहे हो, अबू डेडा पास जा रहे हो, पैर में पत्थर चुभ रहे हैं, तो फिर घर चलो ना, नहीं मामा दो, क्यों छोड़ू मैं आपको यहाँ पे से पत्थरों में, बेटा गंदी बात है ना, घर चलो मारेंगे अपने को ये, चलो घर देखो। उठाऊंगी तो रोएगी, बेटा भूर आ रही है, घर चलो राजा। घर बन रहे मेरे आलू के पराठे, और इसका मुंह देखो पाउडर खेल गई, और स्टैंड पे आके बैठ गई है, बता आपको इसमें अच्छे नहीं दिख रहा होगा, इधर देखो अब बता मुंह बता, पाउडर लगा हुआ है। आज आलू के पराठे बन रहे हैं, गरम गरम खा लो, और रेसिपी जरूर ट्राई करना, यस टाइप से बन रहे हैं, इसमें आटा नहीं रहता कट करके।